हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहू सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर का सीएलआई का क्या रोल है, क्यों इंस्टॉल करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने डिटेल्स में फोकस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो वीडियो लेकर आए हम, इसमें यह देखेंगे कि एंगुलर में हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे रन कराते हैं, कैसे ब्राउजर पर देखते हैं, और प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों पर हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डीपली प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन सीख रखा है। ठीक है, मतलब कि हम ये देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड होता है, और कमांड चलाने के बाद क्या हमसे प्रॉम्प्ट में पूछा जाता है, उसका आंसर क्या देना चाहिए। ठीक है, तब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। मतलब कि फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंगुलर 14 हेलो वर्ल्ड ऐप हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहां पर जाना होगा। सबसे पहले तो आपको जाना होगा गो टू और नोड जीएस कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप कोई फोल्डर बना लीजिए अपने एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अपने लोकल ड्राइव में किसी में, और उस फोल्डर को सेलेक्ट करके वहाँ पर एनजी न्यू करके कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। कैसे करते हैं, चलिए हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, यहाँ से इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर पहले देखिए पहले से अगर आपके पास कोई नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है तो उसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सर्च करिएगा, ठीक है, नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि जाना है, अगर आपने किसी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट कर रखा है जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप जाइएगा, लिखिएगा सीडी, या फिर मान लीजिए आपको डायरेक्टली किसी ड्राइव में जाना है तो आप यहाँ से DIF जिसमें भी जाना है आप चले जाइए। उसके बाद किसी फोल्डर में जाना है तो आप यहाँ पर CD और यहाँ पर जो जिस नेम से आपने फोल्डर क्रिएट कर रखा है उसमें जाइएगा, CD एंगुलर प्रोजेक्ट्स। तो इस फोल्डर के अंदर आप आ गए, आप यहाँ पर लिखिएगा NG न्यू और प्रोजेक्ट का नेम दीजिएगा जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है आपको, तो लिखिएगा माई, या फिर आप मान लीजिए कि माई फर्स्ट ऐप या किसी नेम से कर लीजिएगा, या फिर माई एंगुलर ऐप कर लीजिए। ठीक है, एंटर हिट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, बोल रहा है कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट में आप एंगुलर का राउटिंग मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं क्या। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एंगुलर 7 से पहले नहीं पूछा जाता था। यहाँ पर एंगुलर 7 में इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया था कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, ये पूछा जाने लगा एंगुलर 7 से, क्यों, क्योंकि एंगुलर की टीम ने देखा कि राउटिंग मॉड्यूल लोग मैनुअल क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना हम पूछ कर ही और डायरेक्टली क्रिएट करके दे देते हैं। अब राउटिंग है क्या, राउटिंग मॉड्यूल क्यों क्रिएट करते हैं, जब मैं आपको राउटिंग का चैप्टर स्टार्ट करूँगा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आप लोग को डिटेल्स में दिखाऊँगा और क्रिएट करके बहुत अच्छे तरीके से कन्फिगर करके भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो राउटिंग हम पेज नेविगेशन के लिए करते हैं, पेज नेविगेट करने के लिए, जैसे किसी लिंक पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाना है तो वहाँ पर हम राउटिंग से ही नेविगेट कर सकते हैं। राउटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में। हम राउटिंग क्यों यूज करते हैं इसका भी हम आंसर देखेंगे राउटिंग के चैप्टर में, राउटिंग के वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पर वाई प्रेस करिएगा, उसके बाद इंटर हिट करिएगा। बोल रहा है कौन सा CSS आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना, बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट करना अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि आपको नॉर्मल CSS सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इंटर हिट करेंगे तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इंटरनेट का स्पीड क्या है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम में बहुत सारे पैकेजेज इंस्टॉल होते हैं आपके इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट लेवल पर, ना कि आपके लैपटॉप लेवल पर। क्योंकि जितनी बार आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हर बार आपके उस प्रोजेक्ट में इतने सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्या रहा, इंस्टॉलिंग पैकेजेज
और ब्रैकेट के अंदर npm, मतलब npm कुछ पैकेजेज इंस्टॉल कर रहा है। यही जरूरत है जो मैंने वीडियो में बता रखा है कि नोड जैसे क्या जरूरत है। देखिए ये npm ये सब कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टलेट के अंदर जाकर कि npm ने नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, वो सारे पैकेजेज के फोल्डर को क्रिएट कर रखा है। पैकेज ओरिएंटेशन फाइल दिखाऊंगा, वहाँ पर इन सारे पैकेजेज का रेफरेंस डाल दिया है, ये सब npm कर रहा है। और npm तभी कर पा रहा है जब आपके लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब आपके लैपटॉप में एंगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसके अंदर बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो देखिए कैसे देखेंगे उस फोल्डर के अंदर तो देखिए कैसे देखेंगे कि कौन सा फोल्डर क्रिएट हुआ है, कैसे पैकेज इंस्टॉल हुए हैं। तो आप जाइएगा उस फोल्डर में, देखिए सी ड्राइव के अंदर आपको एंगुलर प्रोजेक्ट का फोल्डर मिलेगा, और इसमें जाएंगे तो माई एंगुलर ऐप नेम से फोल्डर बन गया है, जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। इस पर डबल क्लिक करिएगा तो इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हो गए हैं। SRC के अंदर भी इतने सारे फाइल क्रिएट हुए हैं, ऐप के अंदर भी सब क्रिएट हुआ है, कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल सब क्रिएट होकर आ गया आपके पास। ठीक है, अभी इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो बता रहा था, देखिए npm ने क्या किया कि नोड मॉड्यूल नेम का एक फोल्डर बना दिया है, और इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारा फोल्डर, देखिए सारे बहुत सारे पैकेज आप देखते रह जाएंगे। देखिए इतना सारा पैकेज अपने आप इंस्टॉल हो गया है आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपको इस प्रोजेक्ट को हेल्प करने में, डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इतने सारे पैकेज, पैकेज के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर मिलेगा। अगर उसका कोई डिपेंडेंसी होगा तो वो सारे डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फोल्डर स्ट्रक्चर के वीडियो में भी और भी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जो हमने इंस्टॉल करना सिखाया था कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये वेलकम पेज है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ओपन करेंगे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आपको जाना है फाइल में, ओपन फोल्डर। ठीक है, ओपन फोल्डर में आने के बाद आपको क्या करना है कि डी ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव में जाना है, उसके बाद एंगुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये आपका फोल्डर बना हुआ है आपका क्या, माई एंगुलर ऐप, इसको ओपन करिएगा, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करिएगा, तो ये प्रोजेक्ट आपके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आपको यस आई ट्रस्ट ऑथर्स कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा कोड जो है आपका यहाँ पर ओपन हो गया, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। देखिए नोड मॉड्यूल के अंदर कितना सारा पैकेज है, सब कुछ ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि SRC के अंदर जिसे हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं, उसके बाद ऐप के अंदर जाएंगे तो आपने जो हम ऑलरेडी बता रखा है कि अपने आप एक मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होकर आता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक मॉड्यूल का फाइल होना चाहिए। वो फोल्डर देखिए फाइल क्रिएट होकर आ गया है, मैंने आप लोग को जो दिखाया था वीडियो में कि बेसिक आर्किटेक्चर का वीडियो में। ठीक है, तो ये सब कुछ क्रिएट होकर आया है। इस सबके बारे में डिटेल्स में और भी हम अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। तो ये मॉड्यूल का फाइल क्रिएट होकर आया है, और एक कंपोनेंट का फाइल अपने आप क्रिएट हो गया है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक कंपोनेंट का फाइल होना जरूरी होता है, तभी हम किसी एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इस कंपोनेंट का TS फाइल है, और इस कंपोनेंट का अपना HTML फाइल है, यही HTML का फाइल आपके ब्राउजर पर जाकर लोड होगा। ठीक है, इस कंपोनेंट का CSS का फाइल है, जहाँ पर कोई CSS लिखेंगे इस कंपोनेंट के लिए, लोकल CSS। ठीक है, और जो हमने यस क्लिक किया था राउटिंग मॉड्यूल के लिए, राउटिंग मॉड्यूल क्रिएट हो गया है। अलग अगर आप नो क्लिक कर दिए होते, नो प्रेस कर दिए होते एन जिसे हम बोलते हैं, तो ये फाइल क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट को अगर आपको रन कराना है तो क्या करेंगे, टर्मिनल जाएंगे, न्यू टर्मिनल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा ng-serve, इंटर हिट करेंगे। ठीक है, तो ng-serve इंटर हिट करने के बाद ये प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, रन होने के बाद आपको ये बता देगा कि लोकल होस्ट 4200 पर इस प्रोजेक्ट को जाकर ओपन करिए। ठीक है, एक बार देखिए, रन होने दीजिए, रन मतलब ये सर्व हो रहा है, बिल्ड कर रहा है इस एप्लीकेशन को। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप का रैम वगैरह कितना है। ठीक है, देखिए रन हो गया। इसके बाद बता रहा है कि HTTP लोकल होस्ट 4200 पर जाकर इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए, इसको कौन एक्टिवेट किया, नोड जेएस। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर पर, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिखते हैं लोकल होस्ट 4200। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को बता रखा था CLI के बारे में, कहाँ से डाउनलोड करना है, नोड जेएस कहाँ डाउनलोड करना है, वही ब्राउजर में ओपन है अभी तक। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो फर्स्ट ओपन हुआ आपका पेज, जिसे हेलो बोलते हैं आप, मतलब डिफॉल्ट पेज, ये आपका ओपन होता है
एंगुलर का एप्लीकेशन जब रन कराते हैं। देखिए आपका माई एंगुलर ऐप इज रनिंग, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो रन कर रहा है और ये सब दिख रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? देखिए ये आ रहा है यहाँ से, आपका जो बाई डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होता है उसी के एचटीएमएल पर सब कुछ लिखा हुआ है, यही सब दिख रहा है। ये कहाँ पर जाकर दिख रहा है? ये कहाँ पर जाकर दिख रहा है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। देखिए यहाँ पर जाकर दिख रहा है इस पेज को, ये पेज आपका लोड होता है क्योंकि यहीं पर देखिए हर कंपोनेंट का अपना एक सिलेक्टर होता है। आगे और भी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कि हर कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर होता है, उस सिलेक्टर को जहाँ पर आप रखते हैं वहीं पर आपका कंपोनेंट लोड होता है। तो इस कंपोनेंट का सिलेक्टर कहाँ रखा हुआ है? इंडेक्स डॉट एच टी एम पर। देखिए ऐप रूट पर, तो आपके ब्राउजर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होता है और वहाँ पर जाकर ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो ये कंपोनेंट लोड हो रहा है तो इसका एच टी एम एल का फाइल लोड हो रहा है, जहाँ के इसका एच टी एम एल का रेफरेंस कहाँ पर है? टेम्पलेट यू आर एल के अंदर। ठीक है, मैंने आप लोग को पिछले एक वीडियो में दिखाया भी था कि टेम्पलेट में एक फाइल का URL दिया जाता है, बेसिक आर्किटेक्चर में दिखाया था, आप यहाँ पर डायरेक्टली टेम्पलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट के URL दिया हुआ है, इसी यही HTML आपके ब्राउजर में जाकर दिख रहा है। कौन सा फाइल है ये? ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, ये फाइल। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ वही दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पर सबको हटा दूँ, इस HTML पर जाकर देखिएगा ब्राउजर में कि अब वहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर H1 करता हूँ और वेलकम टू साहू सॉफ्ट सॉल्यूशंस करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आपके ब्राउजर में ये लिखा हुआ आएगा, ना कि डिफॉल्ट पेज पर जो था। अब ब्राउजर में चलिए, देखिए वेलकम टू साहू सॉफ्ट सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो लिखेंगे वही आपके ब्राउजर में दिखेगा, क्योंकि यही रूट कंपोनेंट है, यही डायरेक्टली आपके ब्राउजर पर जाकर दिखता है। तो बाकी सारे कंपोनेंट जो क्रिएट करते हैं वो कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, वो सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो इसका लिंक कहाँ पर है? देखिए ये कंपोनेंट का सिलेक्टर कहाँ पर रखा हुआ? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, और इस कंपोनेंट का, और इसका एच टी एम एल का फाइल कहाँ पर लिंक किया हुआ है? टेम्पलेट वाले के अंदर। तो मैंने आपको ये बता रखा था कि आप एच टी एम एल फाइल का लिंक हटाकर यहीं पर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं टेम्पलेट। मतलब कि आपको क्या करना है कि यहीं पर एच टी एम एल इन लाइन एच टी एम एल लिखना है, तो यहीं पर आप इन लाइन एच टी एम एल लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहीं से लिख लीजिए H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और H1 को बंद करिए। तो देखिए यहीं से अब इस फाइल का लिंक हट गया, अब इस पर जो लिखा हुआ तो हट जाएगा, अब ये नहीं दिखेगा। अब यहीं पर जो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अब ये दिख रहा होगा। चलिए ब्राउजर पर देखिए, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर स्टाइल यू आर लिखा हुआ CSS को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और समझिए कि एंगुलर इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आप यहीं पर लिखिए HTML भी। एंगुलर बोलता है कि आप अलग से फाइल बनाइए, वहाँ पर लिखिए, ये सब कुछ भी और भी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो आपको इसको क्या करना है? कमेंट करके रखना है। ठीक है, मतलब ये नहीं लिखना है, अगर एक दो लाइन का HTML है तो आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ा HTML लिखना है तो आप अलग फाइल पर ही करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से स्टाइल यूआरएल है, मतलब कि हर कंपोनेंट का अपना CSS का फाइल भी होता है, वहाँ पर लोकल CSS लिखते हैं, एक ग्लोबल CSS होता है। देखिए स्टाइल डॉट CSS फाइल, यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो क्या होगा कि ग्लोबली जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट है सब पर अप्लाई होगा। जैसे H1 का मैं लिखता हूँ, H1 बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि H1 का बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। ठीक है, लेकिन इस कंपोनेंट का अपना लोकल CSS भी है, उस CSS फाइल का क्या नाम है? app.component.css फाइल। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये लोकल CSS हो जाएगा और ये क्या करेगा, ग्लोबल CSS को ओवरराइड कर देगा। मैं ब्लू लिख दूंगा, ब्लू दिखने लगेगा, देखिए ब्लू दिखने लगा। ठीक है, इसको भी आप इनलाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनलाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा भी रखा हूँ एक वीडियो में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखिए, देखिए करेंगे तो स्टाइल स्टाइल URL, स्टाइल लिखेंगे तो यहीं पर इनलाइन लिखना होगा। अगर आप स्टाइल URL करेंगे तो किसी फाइल का पाथ देना होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं H1 बैकग्राउंड कलर, ठीक है कॉलन, और यहाँ पर मान लीजिए हमने पिंक कर दिया। पिंक, सॉरी इसको अंदर रखना होगा, कट करके इसके अंदर यहाँ पर रखिए। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद करिए,
और स्क्रॉल करा के देखिए अब क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया होगा, पिंक हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेटा डेटा है। ठीक है, सब मेटा डेटा है। अभी चीज़ और भी यहाँ पर नोटिस करने वाला चीज़ है कि यहाँ पर इसमें भी सिंगल कोट्स है, यहाँ पर भी सिंगल कोट्स है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, एरे ब्रैकेट क्यों है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप मल्टीपल सीएसएस के फाइल का पाथ रख सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई सीएसएस का फाइल का पाथ है तो आप रख दीजिएगा, तो दो दो सीएसएस का फाइल, मतलब यहाँ नहीं, ये तो इनलाइन है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल सीएसएस फाइल का पाथ डाल सकते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप इनलाइन सीएसएस नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। वन एक दो लाइन का सीएसएस है तो जरूर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बड़ा सीएसएस लिखना है तो यहाँ पर फाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला एप्लीकेशन क्रिएट करके हम रन कराते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन कराते हैं, कैसे उसमें चेंज करके देखते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आगे हम आने वाले वीडियोज में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करते टाइम कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, हम बीच बीच में आपका टेस्ट भी लेंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे जिसको आप हमें सबमिट करिएगा, तो हमें ये आइडिया लगेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।